साथियों, एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे अब हम कह सकते हैं हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन, हरियाणा की खट्टर सरकार और एचएसएससी, हरियाणा के बेरोजगार युवा भाई बहनों के सपनों पे पानी फेर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी लूट कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं। साथियों, हमारे पास लगातार फोन आते हैं, बहुत सारे साथी मिलने के लिए आते हैं कि एचएसएससी के खिलाफ लड़ाई में, आंदोलन में हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। कभी नौकरियों में भ्रष्टाचार का मामला, तो कभी पेपर लीक का मामला। हरियाणा में नौकरियों की बंदरबांट हो रही है, बोली लग रही है नौकरियों की, और सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, चैट तक लीक होती है, लगता है सरकार ही मिली हुई है इस पूरे खेल में। अब एक नया तरीका इजाद कर लिया नॉर्मलाइजेशन का, अपने लोगों को कैसे सेट करें, पैसे लिए हुए लोगों को कैसे सेट करें, इलाज करना पड़ेगा सरकार का, नहीं तो यह सरकार सुधरने वाली नहीं है। साथियों, बहुत सारे साथी प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, लेकिन हमें जरूरत है संगठित प्रयास करने की, एकत्रित होने की। आप लोग इकट्ठे हो, हम भी आपका साथ देंगे। मजबूत रणनीति बनाएं, आंदोलन चलाएं। सब साथियों ने चर्चा करके ये तय किया है, साथियों आगामी 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे रोहतक में बस स्टैंड के पास जो हुड्डा सिटी पार्क है, वहां हरियाणा के सभी युवा साथी भाई बहन, कोई सबूत है एचएसएससी के खिलाफ वो भी लेकर के आए, आपकी बात सुनेंगे, चर्चा होगी, आपका साथ देंगे, रणनीति बनाई जाएगी और मजबूत रणनीति के साथ मजबूत आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करें, 27 तारीख को बड़ी संख्या में आए और इस सरकार और इस एचएसएससी के घुटने टिकवाने का काम करें। बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।